दोस्तों पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ये है रॉबिन और ये बच्चा करीबन 10 से 20 दिन का हो चुका है और मैंने आपको पिछली हर वीडियो में इसके बारे इसको फीडिंग करते हुए बताया है। अब बच्चे जब मुझे पहचानने लगा है, मैं इसको काफ़ी दूर छोड़ता हूँ तो आ जाता है। और आप लोग अगर अपने हाथ पर बच्चा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इतना ही बड़ा बच्चा आप लें, क्योंकि मैंने तो काफ़ी छोटा बच्चा लिया था तो ये बच्चा काफ़ी अब ये बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है। जहाँ मैं इसको बुलाता हूँ वहाँ ये आता है। और अब इस बच्चे को मैं फीडिंग आपको हर वीडियो में मैंने फीडिंग करना सिखाया है कि किस तरीके से फीडिंग करानी है इसको। यानी इसको जब भी आपको दाना खिलाना है तो इस तरीके से खिलाना है कि इसको एक एक दो दाने खिलाने हैं और दाने खिलाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको अपने हैंड के बारे में समझाना है, क्योंकि ये बच्चा तभी आपको समझेगा जब आप इसको इस तरीके से ट्रेंड करेंगे। तो दोस्तों ये बच्चा अब ट्रेनिंग के लिए तैयार है और काफ़ी हद तक ये सीख चुका है, मैं सिखा चुका हूँ उसको। और ये बच्चा देख सकते हैं आप, जहाँ मैं कर रहा हूँ हाथ वहाँ जा रहा है। और इस बच्चे को एकदम से दाना नहीं खिलाना है दोस्तों, इसको एक दाना आपने खिलाया इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से हाथ पर ट्रेंड करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक ये आपको पहचानेगा नहीं दोस्तों तो ये आप इसको ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। और ट्रेनिंग इतने बड़े बच्चे से यहीं से स्टार्ट होती है। और दोस्तों तो ये मैंने इसको काफ़ी हद तक इतना ट्रेंड कर दिया है कि अब ये रॉबिन के नाम से पहचानने लगा, क्योंकि मैंने इसका जो नाम रखा है वो रॉबिन नाम रखा है और प्लस ये अब मुझे पहचानने भी लगा है। और मैं जब भी इसको दाना खिलाता हूँ तो इसी तरीके से खिलाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सीखने भी लगा है और मेरे को पहचानने भी लगा है। तो अब अपन को, और दोस्तों ये याद रखें कि जब भी आप बच्चों को दाना खिलाएं और उसको भरपेट ना खिलाएं, क्योंकि भरपेट अगर आप दाना खिलाते हैं दोस्तों तो वो आपका इतना एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा भूखा रखेंगे, मतलब 75% आपको दाना खिलाना है जिससे बच्चा एक्टिव भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। 100% आपको दाना नहीं खिलाना है दोस्तों, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें विशेष तौर पे, क्योंकि बच्चा जब तक वो उसको लगेगा नहीं कि आप उसको दाना खिला रहे हैं तो जब तक आपको पहचान देगा। अगर आपने भरपेट दाना खिला दिया तो फिर वो आपकी आवाज़ भी नहीं सुनेगा दोस्तों और आपको पहचानेगा भी नहीं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है आप लोगों से कि जब भी आप अपने बच्चों को ट्रेंड करें तो एकदम से दाना ना खिलाएं उसको, धीरे धीरे आप उसको एक्टिव करें। जिस तरीके देखिए मैं इसको हैंड को इस तरफ ले जाऊँगा, इसी तरफ मेरे हैंड के पास आएगा और ये मुझे पहचानने भी लगा है। और देखिए आप देख सकते हैं कि अपन को इस तरीके से उसको ट्रेंड करना है और उसको लगना चाहिए कि अब उसके माँ बाप आप ही हैं और कोई नहीं है। क्योंकि और जब भी आप बच्चे ट्रेंड करें दोस्तों, ये ध्यान रखें कि बाकी कबूतरों से, मतलब बाकी जो कबूतर हैं आपके, उससे आप अलग रखें और बच्चे को हो सके तो इस तरीके से। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है आपकी इसकी वीडियो में कि आपको इस तरीके से चने खिलाने हैं जो पानी में बॉयल हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, सर्दी का मौसम है तो इस समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि चने हल्के पानी में गर्म होना चाहिए, गुनगुने होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है। अभी अगर आप ठंडे चने खिलाते हैं तो वो शायद हो सकता है सुस्त हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बच्चा कितना एक्टिव है और सारी चीज़ समझने लगा है और ये काफ़ी आदमी हद तक मुझे पहचानने भी लगा है। अगर मैं इसको दूर छोड़ता हूँ, आप देखेंगे दूर छोड़ूंगा ये मेरे पास ही आएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड करना है और जब तक ये छोटा बच्चा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लायक तो फुल तरीके से करीबन 10 दिन और लगेंगे इसको, तब जाके फुल तरीके ट्रेंड हो पाएगा, क्योंकि अभी तो ये एक्चुअल में मुझे पहचानने लगा अच्छी तरीके से और जब भी मैं उसको बुलाता हूँ तो मेरे पास ज़रूर आता है। तो दोस्तों हो सके तो इस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, करीबन जब भी आप दाना खिलाएं तो मैंने फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके दाना खिलाएं, ज़्यादा दाना आप लोग खिलाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा दाना खिलाएंगे तो वो एकदम से दाना खा के एकदम शांत बैठ जाएगा। तो कोशिश करें दोस्तों कि अपन इसको थोड़ा थोड़ा करके दाना खिलाएं और इस तरीके से इसको अपने हैंड को दिखाते रहें और जो अपने पीछे पीछे चलता रहे, तो इस तरीके से अपन को करना है। और आपको हो सके तो इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके ट्रीट करना है इसको, इस तरीके से तो इस तरीके से आपको पहचानेगा भी और दाना भी खाएगा। तो एक एक दाना खिलाती जाइए दोस्तों और इसको और इस तरीके दाना खिलाती जाइए दोस्तों, तो जिससे कि आपको पहचानेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दाना खिलाना है और इस तरीके से आपको इसको इस तरीके से आपको एक्टिव करना है और दाना भी खिलाते जाना है और इस तरीके से बुलाना भी है। आओ रॉबिन आओ, क्योंकि दोस्तों नाम लेके जरूर बुलाना है, क्योंकि ये आप इसका जो भी नाम रखती हैं अपने बच्चे का, तो आप हैंड वाले बच्चे का, तो उसको इस तरीके से नाम से ही बुलाना है। रॉबिन 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 आओ आओ आओ, आओ।
इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक मुझे पहचानता है और एक्टिव बच्चा है, और अपन चाहेंगे दोस्तों कि ये इस तरीके से अपन दाना खिलाते जाएँ और इस तरीके से उसको दाने को एक एक करके दाना डालते जाएँ, क्योंकि अपन को एकदम दाना नहीं डालना है, क्योंकि पेट भर जाएगा तो दोस्तों फिर ये आपकी बात नहीं सुनेगा। और आपको मैं पूर्व पर इसकी हर वीडियो में आपको अपडेट कराता रहूँगा, क्योंकि इसकी वीडियो आपको हर अपडेट में मिलती रही, हर वीडियो में आपको आप पार्ट दिखेंगे इसका, तो हर पार्ट में इसकी वीडियो डली है छोटे से लेकर बड़े तक की, क्योंकि ये बच्चा तो मैंने बहुत छोटा उठाया था दोस्तों, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आपने देखा होगा कि हमेशा बच्चा इतने बड़ा उठाते हैं लोग, मैंने तो बहुत छोटे से उठाया था इसको, करीबन जो होगा उस समय 7 दिन का, तो 7 दिन पहले मैं इसको उठाया था, अब तो काफ़ी हद तक इसमें एक्टिव है और पहचानने भी लगा है। और मैं इसको इस डिब्बे में रखता हूँ दोस्तों, ये डब्बा मैंने इसका बना रखा है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो अपन ने ज़्यादा बड़ी जगह का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि छोटी जगह का इस्तेमाल करें। इस तरीके का डब्बा लाना है दोस्तों, उसमें अंदर घास बचानी है, क्योंकि मैंने अगली वीडियो में आप इसका सेटअप के बारे में बताया भी है कि इसमें आपको कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, और आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से इस बच्चे को इसमें रखना है। और क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर सेटअप लेते हैं दोस्तों सर्दियों में, तो जो भाई उसमें ठंड लगने की ठंड लग सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जितना सेटअप छोटा रहेगा इसका ठंडों में, तो उतना इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों, क्योंकि छोटे सेटअप में वो ह्यूमिडिटी बना लेगा और बड़े सेटअप में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना एक्टिव बच्चा है, और काफ़ी हद तक मैं इसको खिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकेगा जितना ही उसको हैंड से फीड कराता हूँ। और आप लोग चाहें तो उसको अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको चने के अलावा और क्या दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप कुछ नहीं करें, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट रुकिए। इस तरीके से आपको एक सिरिंज बनानी है, जो ये 10 ml की सिरिंज है दोस्तों, 10 ml की सिरिंज बनाई है, इसमें मैंने ये साइकिल का जो बाल बोलते हैं वो लगाया है। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो इस तरीके का एक सिरिंज बना लेके आइए मेडिकल से, आपको 5-10 रुपये की मिल जाएगी। उस सीरीज को लाके इसमें एक ऐसा पाइप लगाना है रबड़ का, क्योंकि रबड़ का पाइप जो होता है दोस्तों, जब अपन गले में डालते हैं, उनके चोट में डालते हैं, तो उनके गले में ना लगे, तो ये बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है दोस्तों। इस तरह का पाइप बनाना है, और जब भी आप अपने बच्चों को फिटिंग करा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके बच्चे चने खाने लायक नहीं है, तो आप इस इंजेक्शन में पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट आपने देखा होगा दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आता है 5 रुपये का, वो आपको लेना है। 2 बिस्किट आपको गर्म पानी में कटोरी में घोलना है, और उसके बाद उसका हल्का सा पेस्ट बना के, नॉर्मल पेस्ट बना के इस तरीके से इसमें अंदर डालना है, अंदर डाल के इस तरीके से बंद करके, और दोस्तों ये ध्यान रखें कि उसमें एयर बिल्कुल नहीं रह जाए, एयर बिल्कुल नहीं रह जाए, और लेके इस तरीके से आपको खिलाना है। तो दोस्तों मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका बच्चा छोटा है तो आप पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 2 पार्ले जी के बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपका बच्चा फिटिंग अच्छे करेगा। और ये बच्चा तो मैंने शुरू से ही इसको मैंने चने खिला के बड़ा किया है, और चने क्योंकि ताकतवर होते हैं, और चनों में क्या है कि दोस्तों ये पानी, हल्का सा पानी नमी होती है, तो उनको वो पानी कमी पूरी करता है, तो आपको पानी ही कम पिलाना पड़ेगा इस चने, अगर आप चने खिलाते हैं तो दोस्तों आपको पानी भी कम पिलाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए पानी कमी पूरी कर देता है दोस्तों, भीगे हुए चने होती हैं तो उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो ये पानी कमी पूरी कर देता है। तो उसी के चलते आपको दोस्तों ये देखना है कि बच्चा आपका इतना, आपको 75% मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों खिलाने के लिए, क्योंकि 75% खिलाने से दोस्तों बच्चा ये जो हजम भी जल्दी कर लेगा और सुस्त भी नहीं होगा, एक्टिव भी बना रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अपन बच्चे को दाना खिलाते हैं तो वो फिर एक्टिव इतना नहीं हो पाएगा। तो अपन को विशेषकर ध्यान रखना है कि 75% ही दाना खिलाना है दोस्तों, यानी आपको इस तरीके से भीगे हुए चले 40 चने खिलाने हैं एक बार में, यानी आपको 2 टाइम चने खिलाने हैं दोस्तों। और मेरे पास तो सर दोस्तों 2 टाइम ही समय रहता है सुबह शाम का, इसलिए मैं 2 टाइम खिला पाता हूँ। अगर आपके पास टाइम है दोस्तों तो आप दिन भर में 25 चने खिलाएं, एक टाइम 25, एक टाइम 25, एक टाइम 25, इस तरीके से खिलाएं, तो दोस्तों कुछ फीडिंग वो आपको जल्दी पहचाने का, और समय भी आप ज़्यादा दे पाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों काम के चलते हैं दोस्तों, मैं इसको समय कम दे पाता हूँ, तो अगर बच्चे हैंड पर लगा रहे हैं तो आपको बच्चे को जितना समय देंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पहचानेगा। तो दोस्तों देखिए इसका पेट भर चुका है, तो अब ज़्यादा ये मचलेगा नहीं, वरना ज़्यादा ये चने मांगेगा, क्योंकि इसका पेट भर चुका है दोस्तों। और अपन चाहेंगे कि इसको अब इतना चने खिला दिए हैं, तो अपन को पानी कितना देना है वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा, कि चने खिलाने के बाद आपको इसको पानी कितने ml देना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप 10 ml की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं दोस्तों,
तो 10 ml की सीरीज में आपको सिर्फ ओनली 5 ml पानी लेना है एक बार में, क्योंकि चने अगर आप चने खिलाते हैं तो अगर आप चने खिलाते हैं तो चने क्योंकि गीले होते हैं दोस्तों, तो चनों में पानी ऑलरेडी नमी रहती है तो वो ऑटोमेटिक कूल हो जाता है। और सर्दी के टाइम में दोस्तों तो पानी जितना हो सके कम ही पिलाएं, क्योंकि अगर आप पानी पिलाते हैं तो आपका जो सेटअप है दोस्तों उस सेटअप में ये बीट करेगा तो ये जल्दी कागज़ ख़राब करेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से सेटअप बनाना है दोस्तों अपन को इस तरीके से, और ये सेटअप इस तरीके से रहेगा। उसके नीचे घास लगी हुई दोस्तों, और घास प्रॉपर मैंने इसमें लगा रखी है, और इस घास मैंने इसलिए लगाई दोस्तों क्योंकि घास लगाने से थोड़ी सी जो डब्बे में है नमी नहीं होती है, और अखबार भी मतलब जो अखबार गीला होता है वो नीचे आपके गत्ते को ख़राब नहीं करेगा, और आपका जो सेटअप है इसका वो गीला नहीं होगा। और आप अखबार से ये होता है कि जो आप सुबह लगाएं शाम तक अखबार को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो जिससे इतनी गंदगी भी नहीं होगी, बच्चा आपका साफ़ सुथरा रहेगा। तो दोस्तों विशेष तरह से ख्याल रखना है आपको कि जब आप बच्चा लगा रहे हैं हाथ पे तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने हर वीडियो में कहा है कि आप कोई भी पेट पालते हैं या कोई भी जानवर पालते हैं तो समय तो उसको देना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप समय ज़्यादा दे पाएंगे तो आप उसी तरीके से अपने जानवर को आप उसको समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसके काफ़ी पेट भर चुका है, और अब मैं इसको पानी पिलाऊंगा। तो पानी भी अपन को दोस्तों इस समय ध्यान रखना है कि पानी अपन को ठंडा पानी नहीं पिलाना है, अपन को गुनगुना ही पानी रखना है हल्का सा, क्योंकि अगर आप गुनगुना पानी रखेंगे तो वो सर्दी का टाइम है तो इतना सुस्त नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चों को फिटिंग कबूतर कराते हैं तो कभी भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को जो फिटिंग कराते हैं कबूतर उसमें इन कबूतरों के वो पानी पी के कराते हैं, और आपको पता होगा और उनके मुंह में दाना डालते हैं तो वो थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट होती है उनके दाने में। तो उसी तरीके से अपन को इसका टेम्परेचर रखना है दोस्तों, कि अपन इसको इस तरीके से रख पाएँ कि वो पानी ज़्यादा गर्म ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितना पानी इसको पिलाऊंगा और कितना हद तक इसको पानी अपन को देना है। तो दोस्तों मैंने कुछ इसमें पानी गर्म करके लाया हूँ, और हल्का पानी गुनगुना हो चुका है। गुनगुना आपको ये देखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो और उसे गले में ना लगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इतना पानी भर लिया है, इतना ही पानी आपको देना है इसको। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं देना है दोस्तों कि सर्दी का टाइम है, तो आप अगर ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो आपको बीट करेगा तो ज़्यादा गीली बीट होगी, और ज़्यादा गीली बीट होने से आपका जो सेटअप का गंदा अखबार लगा रखा है, और तो इतना ml आपको पानी, यानी मैंने ये ml भरा है मात्र, इसमें 10 ml का इंजेक्शन है दोस्तों, मैंने इसमें 4 ml पानी भरा है। 4 ml पानी आपको रुक रुक के पिलाना है, आपको लगे कि आपका पानी आपने कम पिलाया है तो आपको क्वांटिटी के हिसाब से पानी पिलाना है दोस्तों, जो जितना आपको लगना है पानी इसको। तो दोस्तों मेरे को तो पानी मैं इसको ज़्यादा चने ज़्यादा खिला दिया तो मैं इसको एक बार पानी पिलाऊंगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि बच्चा पूरा दाना खा चुका है, अब थोड़ा शांत है, और अगर आप बुलाते भी हैं तो इतनी एक्टिविटी नहीं दिखाई देगा। तो ये विशेष कर ध्यान रखना है, जब तक बच्चा छोटा है आप उसको फुल पेट दाना खिला सकते हो, जब आप जो उड़ने लगे और थोड़ा सा आपको समझने लगे और ये उड़ान भरने लगे तो आपको ट्रेनिंग करते समय फुल पेट दाना नहीं खिलाना दोस्तों, फिर कह रहा हूँ आपको, नहीं तो आपके हाथ पर नहीं लगेगा। इसको हाथ पे लगाने के लिए अगली वीडियो जब भी आएगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरी वीडियो को सर दोस्तों अगर आप देख रहे हैं और आपने आगे की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लाइक करें सब्सक्राइब करें तभी आप मेरी आगे की वीडियो देख पाएंगे, और आगे की नई वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उससे। तो इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों आगे और वीडियो में मिलते हैं, बाय।